नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट को डिस्कस करेंगे। ICAI की एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अनाउंसमेंट आई है। अभी 19 जून को अनाउंसमेंट आई है। मैंने भी बेसिकली वो कल ही देखी अनाउंसमेंट, तो आज मैं मुझे लगा कि उसकी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि उसकी अवेयरनेस है ही नहीं, वो अभी तक काफ़ी बच्चों तक पहुंची नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हर बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए। देखिए, इस अनाउंसमेंट के थ्रू मैं ICAI को स्टूडेंट्स के बिहाफ पे थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ सोची है। देखिए, क्या होता है कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ट्विटर पे आज उठा लो तो हैशटैग करके बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जो कोई भी हैशटैग पकड़ के क्रिटिसाइज़ करना चाहते शुरू कर देते हैं इंस्टीट्यूट को। लेकिन मैं यह देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी एक चीज़ तारीफ़ करने के लिए नहीं है। कमियाँ देखो सबके अंदर होती है। मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर व्यू देता हूँ। मुझे पता है कि देखो, कुछ अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कमी है, थोड़ी बहुत अगर कमी है, तो इंस्टीट्यूट में की तरफ से सर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जो वो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के लिए करते रहते हैं। तो हमें कमियों को ना देखकर कभी कभी प्रेस भी करना चाहिए, कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए। उससे कुछ नहीं होगा सर, उससे हम लोगों का बॉन्ड बना रहेगा, हम लोगों के मन में इंस्टीट्यूट के लिए प्यार बना रहेगा। मैं बार बार इस वीडियो में बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप इंस्टीट्यूट की इमेज को टार्निश कर दोगे, और वो चीज़ गलत है। जिस इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिलने वाली है CA की, आपको CA का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मुझे पता है कि आज मुझे इतनी डिग्निटी किसकी वजह से मिली है, सिर्फ इंस्टीट्यूट की वजह से मिली है। इतनी रिस्पेक्ट किस वजह से मिली है, इंस्टीट्यूट की वजह से मिली है। मेहनत ठीक है, मेरी थी मेहनत उसमें, और मेहनत मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर इंस्टीट्यूट ना होता तो क्या मैं इस लेवल तक पहुँचता? आंसर इज नो। तो इंस्टीट्यूट, मैं अपनी नज़रों में इंस्टीट्यूट को अपना मंदिर मानता हूँ, आपको भी इंस्टीट्यूट को अपनी नज़रों में अपना मंदिर मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ सर कमियाँ हैं कुछ, मैं ये नहीं कह सकता कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट ही खराब है सर, कुछ डिपार्टमेंट्स में कमियाँ हैं, कुछ छोटे छोटे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके अंदर कमियाँ हैं, वो टाइमली सुधरती चली जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन सर कुछ डिपार्टमेंट इतने अच्छे भी हैं जो स्टूडेंट के लिए आगे आते हैं, एक स्टेप आगे आते हैं, और स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए सोचते हैं। उसी में से ही एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, थ्रू स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड। स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्ट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड बना हुआ है, जहां पर बेसिकली स्टूडेंट के सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है। देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि जो आजकल का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आजकल जो इंडस्ट्री की डिमांड चल रही है विद रिस्पेक्ट टू CA, तो वो क्या है सर, नॉलेज के साथ साथ वो ये देखते हैं कि एक CA के अंदर कितनी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, मतलब कितनी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कितनी उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है। ये सब चीज़ों की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसी चीज़ को स्टूडेंट लेवल पे आपको इम्प्रूव करके चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बोल नहीं पाते, आप थोड़े से शाय फील करते हो, या थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तो सर आपको कुछ ना कुछ तरीके से अपने उस डर को, अपने उस कॉन्फिडेंस को बाहर लेकर, मतलब वो जो आप कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट सा फील करते हो, तो उस चीज़ को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। मैं देखता हूँ सर, CA बनने के बाद भी अगर मैं बोल दूँ कि कोई लेटर लिखो, कोई आर्टिकल लिखो, नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते सर? हो सकता है लिखना ना तो, हो सकता है इंग्लिश में हार्ड टाइट हो। सर इन चीज़ों को आपको आज के टाइम में इंप्रूव करके चलना पड़ेगा। मेरे टाइम में भी इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉलेज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी रखता है, तो उसकी वैल्यू इंडस्ट्री में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी के लिए इंस्टीट्यूट ने जो अनाउंसमेंट निकाली है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ कि क्या उन्होंने एक बेहतरीन सी अनाउंसमेंट निकाली है। तो आइए उसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए जी वेबसाइट पे। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। यस,
ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है जी। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट का इंटरफेस चेंज किया है, बहुत अच्छी लग रही है सर देखने में। देखिए कितनी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट अब हो गई है, सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई है, मतलब बहुत आसानी से आपको कोई भी चीज़ मिल जाएगी। बहुत अच्छी मुझे वेबसाइट लग रही है, इंटरफेस अच्छा है काफ़ी। तो यहाँ पर नीचे आप आएंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स में, ये देखिए जी, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4th नंबर पे जो अनाउंसमेंट मिल रही है जिसमें लिखा हुआ है शेयर ऑफ शेयर योर थॉट्स 19 जून की अनाउंसमेंट है, इसको क्लिक करते हैं। देखिए जी ये अनाउंसमेंट है 19 जून की। सर देखो 19 जून की है और आज 23 जून हो गया है। मेरे हिसाब से किसी को भी इस अनाउंसमेंट के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि बात वही है ना सर, बात वही है कि तारीफ करने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्रिटिसाइज करने के लिए तो हर कोई है। एक बार तारीफ तो करके देखो कितना अच्छा फील होगा आपको भी और इंस्टीट्यूट को भी। देखो जी कितनी बेहतरीन अनाउंसमेंट है, कहां से अनाउंसमेंट है जी, एक बोर्ड होता है स्टूडेंट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक बोर्ड बना हुआ है स्टूडेंट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड, SSEB से बोलते हैं। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट निकाली है, उन्होंने बेसिकली स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक अनाउंसमेंट निकाली है कि आप आइए और अपने थॉट्स को बाय वे ऑफ आर्टिकल शेयर कीजिए। ठीक है जी एक बार पढ़ते हैं इसको। स्टूडेंट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ ICI इनवाइट्स यू टू स्क्रैच योर हेड्स एंड शेयर योर ओरिजिनल आइडियाज। देखो वर्ड हाईलाइट कर रहे हैं वो ओरिजिनल, मतलब कॉपीड आइडियाज नहीं होने चाहिए, आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए जो आप पेपर पे लेकर आ जाओ, आपके खुद के आइडियाज होने चाहिए जो आप पेपर पे लेकर आ जाओ। ऑन एनी ऑफ द बिलो टॉपिक्स लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल दैट इज पेपर और राइटअप एट द लिंक, ये आपको लिंक दे रखा है, एक गूगल फॉर्म है, इसको फॉर्म को आपको भरना है और यहाँ पर अपने आर्टिकल को अपलोड करना है। आप वर्ड फॉर्म में या पेपर फॉर्म में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप एक बार फॉर्म को देख लीजिएगा, वो आपका ईमेल्स वगैरह मांगेगा तो उसको आप देख लेना किस तरीके से करके चलना है। रिक्वायरमेंट क्या है सर, वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए 300 से 400 वर्ड लिमिट्स के अंदर, ठीक है जी। स्टूडेंट कैन शेयर द थॉट प्रोसेस ऑन मोर देन वन टॉपिक, ठीक है। नीचे कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, आप एक टॉपिक या एक से ज्यादा टॉपिक्स पे ऊपर अपने थॉट्स दे सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही टॉपिक पे देनी है, आप एक से ज्यादा पे अगर कुछ आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ द टॉपिक इज अलाउड, देखो जितने टॉपिक्स दे रखे हैं ये टॉपिक्स है मेन, लेकिन इसमें से आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके चल सकते हो, ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये टॉपिक्स हैं इसी के ऊपर ही बोलना है, इसमें हल्के फुल्के चेंजेस, स्लाइट मॉडिफिकेशन बोला उन्होंने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने टॉपिक को डेविएट ही कर दिया, नहीं। 20 बेस्ट आर्टिकल्स विल बी सिलेक्टेड, इंस्टीट्यूट क्या करेगा जो आर्टिकल्स आएंगे उसमें से 20 आर्टिकल्स को सिलेक्ट करेगा जो इंस्टीट्यूट को अच्छे लगेंगे। स्टूडेंट कैन सबमिट आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ अदर टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो टॉपिक है वो नीचे दिए हुए टॉपिक से सिमिलर है लेकिन हेडिंग अलग है तो तब भी आप अपने टॉपिक को शेयर कर सकते हो। कॉपीराइट टू द यूज सेम विल बी द ICI, ठीक है जी। जो आप लिखोगे उसका कॉपीराइट इंस्टीट्यूट के पास होगा क्योंकि बेसिकली इंस्टीट्यूट अपने जर्नल में पब्लिश करेगा। डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ एन आर्टिकल स्टेटिंग दैट द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल थॉट्स एंड नॉट कॉपीड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि आपको आर्टिकल के एंड पे एक डिक्लेरेशन देनी है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखा है वो आपकी खुद की ओरिजिनल थॉट्स हैं, वो कॉपीराइट नहीं, वो कॉपीड आइटम्स नहीं है। देखो सर साफ सीधी बात है, कोई भी अपना टाइम खराब नहीं करेगा, अगर आपके दिमाग में थॉट्स हैं और आप लिखना चाहते हो तो सर लिखो जरूर, लिखो जरूर, बट कॉपीड आइटम्स नहीं होने चाहिए। आप टाइम लो, इंस्टीट्यूट ने बतेरा टाइम दे रखा है, अभी नीचे टाइम पे आऊंगा, काफी टाइम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कॉपीड आइटम नहीं होनी चाहिए। एंड डिसीजन ऑफ ICAI विल बी फाइनल, ठीक है। ICAI डिसाइड करेगा 20 आर्टिकल कौन से सिलेक्ट करने हैं। टॉपिक्स क्या क्या है ये देखिए जी, टॉपिक्स टू बी एलोबोरेटेड एज फॉलोज, देखो जी ये टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक है, एक से एक बढ़िया टॉपिक मुझे लगे। देखो बॉर्न टू बी अ लीडर पहला टॉपिक, प्लीजेंट पर्सनैलिटी दूसरा टॉपिक, पॉजिटिव एटीट्यूड, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, किल द स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स, फेस CA एग्जाम्स विद द ग्लो ऑन माई फेस, बहुत अच्छा टॉपिक मुझे लगा, फेस CA एग्जाम्स विद द ग्लो ऑन माई फेस। जनरली क्या होता है कि CA एग्जाम देने जाते हैं और चेहरे पे टेंशन होती है, परेशानी होती है, तो हाउ वी कैन फेस द CA एग्जाम विद ग्लो ऑन आर फेस, अच्छी चीज लगी मुझे। मेडिटेशन कॉन्कर द स्ट्रेस, आज के टाइम में देखो स्ट्रेस के ऊपर कई सारी चीजें, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बढ़ चुका है लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो उसको किल करने का तरीका एक मेडिटेशन होता है, ठीक है जी। स्ट्रेंथ वीकनेस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी,
पैशन फॉर योर विजन, ठीक है जी। जैसे मैं अपना पैशन को परस्यू कर रहा हूँ, मेरा पैशन है पढ़ाना, तो मैं अपने पैशन को परस्यू कर रहा हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस को, अपने काम को, सारी चीज़ों को छोड़कर अपने पैशन को परस्यू किया है कि मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मेरा विजन वही है कि मैं स्टूडेंट्स तक अच्छी से अच्छी, हाई से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। नाउ और नेवर, माइंडफुलनेस अ पावरफुल टूल, द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस, विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल ही मुझे याद है मैं इसी पॉइंट के बारे में, विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में अपने स्टूडेंट से क्लास में डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि देखो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल सारे बच्चे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है। तो उसी के ऊपर मैंने बच्चों का लाइव सेशन लिया था कि कैसे वो सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं अपने अंदर, और लाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज के ऊपर आर्टिकल भी लिख सकते हो आप। एक्ट एंड लिसन, सेल्फ एक्सेप्टेंस अ टॉनिक फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सीक पॉजिटिव पीपल, अटैक नेगेटिविटी, एम्पावर वुमेन एंड सीक बेटर फ्यूचर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आई क्यू वर्सेज ई क्यू वर्सेज एम क्यू एंड एनी अदर रिलेटेड टॉपिक, टॉपिक ऑफ योर चॉइस, ठीक है जी। तो ये कुछ 23 टॉपिक इंस्टीट्यूट ने डाले हैं जिसपे आप अपनी थॉट्स को थ्रू आर्टिकल शेयर कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको लगता है कि इससे, मतलब इससे बिल्कुल ज़्यादा डेविएट मत होना, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे हटके हल्का सा टॉपिक मैं और कोई और डाल सकता हूँ तो आप डाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपका टॉपिक, आपके दिमाग में कोई अच्छा टॉपिक है जिस पर आप लिखना चाहते हो, ज़रूर लिखना, ज़रूर लिखो। इससे क्या होगा सर, आप सामने आओगे, फ्रंट में आओगे, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, और ये आगे जाकर आपको बहुत बेनिफिट पहुँचाएगी। स्टूडेंट कैन शेयर देयर थॉट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आर एलिजिबल टू शेयर द थॉट प्रोसेस, ठीक है। कोई भी लेवल पे हो, चाहे आप फाउंडेशन पे हो, चाहे आप इंटरमीडिएट पे हो, चाहे आप सीए फाइनल लेवल पे हो, आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो। 20 बेस्ट पेपर्स विल बी पब्लिश इन द बुकलेट ऑफ SSEB अलॉन्ग विद द नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट। एक स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल एनरिचमेंट बोर्ड की बुकलेट आती है, उसके अंदर आपके 20 आर्टिकल को इंस्टीट्यूट पब्लिश करेगा विद द नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट। तो सर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सामने आने की। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 10th July 2020, 10 जुलाई की लास्ट डेट है, आज हो गया 23 जून, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम पड़ा है। तो सर अपने टॉपिक को तैयार करो, सोचो और उसको लिखो, राइट इट डाउन। और सर बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये अनाउंसमेंट के जरिए कि आप अपनी इस टाइप की स्किल्स को इम्प्रूव करो। अगर आपको लगता है कि आप राइटिंग लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, तो सर लिखो, प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, धीरे धीरे कम्युनिकेशन के भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, प्रेजेंटेशन के भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो हम लोग भी आप लोगों की तरफ से इंस्टीट्यूट को अपील करेंगे कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट की एनरिचमेंट के लिए कुछ ना कुछ इसी तरीके के इनिशिएटिव ITCI लेता चला जाए, ठीक है जी। तो मैं ये मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ दिल से, अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट करते हो जरा सा भी और मेरी बात को समझोगे, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा अपना आर्टिकल लिखे। ये मत सोचना कि मेरा आर्टिकल सेलेक्ट होगा, पसंद आएगा या नहीं आएगा, छोड़ दो वो चीज, लिखो। जैसी भी आपको इंग्लिश आती है तो लिखो, जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो टूटी फूटी इंग्लिश लिखो, लेकिन लिखो जरूर। आज नहीं सेलेक्ट होगा तो एटलीस्ट आपकी, आपको लिखना तो आएगा, नहीं तो आपके मन में क्या रहेगा, हमेशा डर ही रहेगा कि हाँ लिखूं या ना लिखूं, या छोड़ देता हूं, रहने देता हूं। हमारे अंदर ना एक लेजीनेस बहुत ज्यादा है, तो सर इस लेजीनेस को किल करना पड़ेगा, इस लेजीनेस को खत्म करके चलना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में अच्छे लेवल तक पहुंचना है तो, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और एक इंपॉर्टेंट अच्छा वीडियो मुझे लगा जो मैं बना सकता था। तो मैं चाहता हूं कि आप हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको टाइमली मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती चली जाए, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।